जब से मौसम बदला है तो सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले भी बढ़े हैं। लोगों में खासकर खांसी की परेशानी ज्यादा देखी जा रही है। मौसम बदलने पर फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी आम बात है। एक अनुमान के अनुसार 300 से ज्यादा वायरस हैं जो सामान्य सर्दी खांसी की वजह बनते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप H3N2 के कारण बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में इजाफा हुआ है। H3N2 के लक्षण कोरोना से दरअसल मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। कई बार आम वायरल बुखार को लेकर भी लोग पैनिक में आ जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर H3N2 COVID-19 और फ्लू में अंतर कैसे करें? जरूरी है कि इन बीमारियों को पहचानने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इन्फ्लुएंजा ए टाइप को महामारी का कारण माना जाता है। इसके दो सब टाइप होते हैं, एक H3N2 और दूसरा H1N1। H1N1 को स्वाइन फ्लू से जाना गया, जो सुअरों में बीमारी का कारण बनती है, जबकि H3N2 वायरस लोगों पर असर दिखा रहा है। इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों के अंतर से दोनों के बीच आप फर्क कर सकते हैं। मसलन H3N2 आवाज में भारीपन पैदा कर सकता है, जबकि COVID-19 बुखार या सर्दी होने से शुरू होता है। फ्लू में शरीर में दर्द या मांसपेशियों में परेशानी ज्यादा होती है। फ्लू के चलते गंभीर सूखी खांसी होती है, जो सामान्य से कुछ ज्यादा समय या यूं कहें करीब 3 हफ्ते तक रह सकती है। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। राहत पाने के लिए उनकी दी गई सलाह पर अमल करें। ध्यान रखें कि बगैर डॉक्टर की सलाह के अपने आप किसी तरह की दवा न लें। एंटीबायोटिक दवाओं से बचें, क्योंकि ये वायरल बीमारी है न कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए एंटीबायोटिक्स फ्लू में प्रभावी नहीं है। अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध और दूसरे हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फ्लू की चपेट में आने पर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूर कोशिश करें। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। मसलन दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। कमरों को हवादार बनाए रखें। घर पर ही आराम करें। बाहर खाने पीने से परहेज करें और घर का बना ताजा खाना ही खाएं। साफ है कि कोविड की तरह नियमों का पालन कर फ्लू से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा या कोविड को लेकर टीके को लेकर दी गई सलाह का भी पालन जरूर किया जाए। जहां तक H3N2 की बात है तो इसको लेकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों या फिर पहले से किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रहा है। कुल मिलाकर सर्दी, खांसी या बुखार होने पर परेशान होने के बदले डॉक्टर से मिले और उनकी सलाह पर ही अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फ्लू और कोविड के लक्षण में क्या अंतर होता है? इन्फ्लुएंजा के H3N2 वेरिएंट को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं, इनके सबके मेजरली सिम्टम्स सेम होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, गले में दर्द का होना। पर जो H3N2 वेरिएंट है या फिर इस साल का इन्फ्लुएंजा ए का वेरिएंट है, उसका एक बड़ा ही करेक्टरिस्टिक फीचर है कि काफी सारे लोगों में होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि उनका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स काफी तेजी से अफेक्ट होता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट की आपकी मेजर इनिशियल कंप्लेंट ये होती है कि उनको बोलने में तकलीफ हो रही है, आवाज बैठ गई है, गले में खराश है और दर्द है, उसके बाद फीवर आता है। जबकि कोविड में ऐसा होता था कि स्टार्टिंग हमेशा पेशेंट की फीवर से होती थी, उसके 3 या 4 दिनों के बाद खांसी शुरू होती थी। H3N2 या H1N1 में पहले खांसी होती है, उसके बाद फीवर आना शुरू होता है। इनिशियली चाहे वो H3N2 हो चाहे H1N1 हो, अगर आपके सिम्टम माइल्ड कफ, कोल्ड, फीवर के हैं तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो आपको फ्लू से, स्वाइन फ्लू से, H3N2 और कोविड सबसे बचा के रखता है वो। किन लोगों में ये फ्लू या नॉर्मल H3N2 या H1N1 डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? सबसे पहले बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, एल्डरली जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, CKD है, इन पेशेंट्स में ये नॉर्मल फ्लू भी बहुत रैपिडली कॉम्प्लिकेट होने का चांस रखता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम आते हैं,
और आपको इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो आपको हमेशा हॉस्पिटल जाके एक्सरे और बाकी टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियम एज ग्रुप में है, कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर आपको नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको स्टीम और गार्गल करने चाहिए, सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिसके अंदर पैरासिटामोल होते हैं। बहुत खास बात जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड के बाद से लोगों के मन में ये बैठ गया था कि किसी भी तरह के फीवर के कफ में स्टेरॉयड हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड के अलावा आपको हमेशा इनिशियल 5 डेज में वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक लेने से पूरी तरह से बचना चाहिए।